प्रार्थना हमारी अंतस गहराइयों से निकलकर समग्र ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ मिलकर हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा, आनंद, स्वास्थ्य की बारिश करती है, मेरे जीवन को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। प्रार्थना हमारे पापों का नाश करती है, जीवन को संपूर्णता प्रदान करती है। प्रार्थना हमें एक ऐसी भाव दशा में लेकर आती है जो हमारे मन, वचन, कर्म में शुद्धता आ जाती है, हमारे हृदय में, मन में, विचारों में अद्भुत शक्ति, परम शांति और आनंद से हमको परिपूरित कर देती है। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सर्वसमर्थ परमेश्वर से एकाकार हो जाते हैं। हमारे शरीर को जैसे हवा, पानी, भोजन की अति आवश्यकता है, वैसे ही हमारी आत्मा का पोषण प्रार्थना है। लौकिक महान संकटों और विघ्नों से मुक्त होने के लिए प्रार्थना अमृत है। अगर आप चिंतित हैं तो इसका मतलब यह है कि आप हृदय से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। प्रार्थना करने वाला हृदय इतना प्रकाशवान हो जाता है कि वहां पर चिंता, परेशानी, महान संकट और विघ्नों की काली अंधेरी स्याह रात हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे सूरज के उदय से अंधेरा अपने आप मिट जाता है, यदि आप प्रार्थना करते हैं तो आपको डर, चिंता, दुख किस बात का? जिस हृदय से प्रार्थना का स्रोत नहीं बहता है, वह व्यक्ति कैसे आनंद, शांति, प्रसन्नता, निश्चिंतता को कैसे प्राप्त करेगा? अपने मन को हृदय देश में स्थिर करके सुबह उठते ही सर्वसमर्थ परमेश्वर, जिनकी कृपा के सहारे यह सारा विश्व टिका है, उनकी प्रार्थना करो, पूरा जीवन मंगल हो जाएगा। आप जब प्रार्थना करें तो आपका हृदय पूरे भावों से भर जाए, तो हम लोग सर्वव्यापक भगवान से जुड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर, आप मेरे जीवन को असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधेरे से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलें। जीवन में छाई भय, अशांति, दुख और तकलीफों के घने अंधियारे को दूर करके जीवन को अपनी दया, करुणा और प्रकाश से भर दें। मेरा जीवन निर्भय, सुखी, स्वस्थ, आनंदित और शांत बना दें। मेरे विचार शुद्ध हों, मेरा मन आप में लगा रहे, मेरे अंदर आपके प्रति पूर्ण विश्वास हो, मेरी आत्मा को पवित्र और शुद्ध करें, मुझ जैसे शरणागत जीव को अविद्या रूपी बंधन से मुक्त करें मेरे प्रभु। हे मेरे जगदीश्वर, इस दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध, महामारी से सभी प्राणियों की रक्षा करें, हम सबको सुबुद्धि प्रदान करें। हे मेरे ईश्वर, सभी के अंदर वासुदैव कुटुंबकम का भाव हो, दुनिया में फैले दुखों का निवारण करके हम सबका उद्धार करें, हम सबको शांति दें, हम सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। हे मेरे प्रभु, मेरी आत्मा के प्रकाश को जो अज्ञान ढके हुए है उसकी निवृत्ति कर दें, उसे दूर कर दें, अज्ञान से मेरी मुक्ति हो और ज्ञान का प्रकाश मेरे जीवन में फैले। जीवन शांति को, प्रेम को, आनंद को, समृद्धि को उपलब्ध हो। हे स्वयं प्रकाश परमात्मा, स्वयं विश्व के रचयिता, अजन्मा, सर्वव्यापक प्रभु,
मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। आप हम सबकी रक्षा करें, आप हम सबकी रक्षा करें। हे सर्व पूज्य भगवान नारायण, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। हे सर्व पूज्य भगवान नारायण, आपको हमारा बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।